नमस्कार, बथरुकले समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट मिला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पार्टी के कई दिग्गजों के नाम हैं। अंबेर से सतीश पुनिया को टिकट दिया गया, वहीं राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से टिकट मिला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला है। पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, उन्हें नाथद्वारा से टिकट मिला है। आज इसरो ने गगनयान की कामयाब टेस्ट लॉन्चिंग की और इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। बंगाल की खाड़ी से इसे नौसेना ने रिकवर किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने टेस्ट लॉन्चिंग की जानकारी देते हुए बताया कि खराब मौसम की वजह से आज 3 बार टेस्टिंग टाली गई, लेकिन अंत में खामियों को पहचान कर दूर किया गया और फिर 10 बजे लॉन्चिंग का वक्त तय किया गया, जो कि कामयाब रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। 4 साल बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई है। पूर्व पीएम कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे और इस दौरान नवाज रैली को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय और पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अजय राय को लेकर अखिलेश ने कहा कि बात पिता तक ना पहुंचे तो अच्छा है। दरअसल अजय राय ने पिता के सम्मान को लेकर अखिलेश पर टिप्पणी की थी। वहीं कमलनाथ के बयान को लेकर कहा कि वो उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं और जिनके नाम में कमल हो वो अखिलेश ही कहेंगे, अखिलेश नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज एमपी के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें संस्थापक दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी आज शाम करीब 4 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सिंधिया स्कूल में पीएम मोदी का राजशाही अंदाज में स्वागत किया जाएगा और इसके साथ ही सिंधिया स्कूल के बच्चे ब्रास बैंड की जय हो ध्वनि के साथ पीएम का अभिवादन करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। इसराइल और हमास की जंग का आज 15वां दिन है। इस बीच हमास के इसराइल पर हमले के बाद पहली बार मिस्र से गाजा के बीच की राफा बॉर्डर खोला गया है। मानवीय मदद के लिए राफा बॉर्डर खुल गया है। राहत सामग्री लेकर ट्रक राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा जा रहे हैं। ट्रकों में दवाएं, मेडिकल सप्लाई और खाने का सामान है। आज लगभग 20 ट्रक गाजा पहुंचेंगे। इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। दुनिया भर के कई देशों में जंग को लेकर प्रदर्शन जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का झंडा लेकर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया।
महबूबा मुफ्ती ने दुनिया से इसराइल पर सीज फायर का दबाव बनाने की अपील की है, साथ ही बच्चों की मौत का भी मसला उठाया। और इसी के साथ बद्रों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही।